हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सितंबर 2021 इंग्लिश पेपर विद आंसर। गाइस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लास सिक्स के लिए होता है और अब हम पूरे पेपर की सीरीज इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी टच कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 5, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आउट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। गाइस, ये जो पेपर होता है टू लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों में से आपको चॉइस करना होता है। आज हम देखेंगे इंग्लिश पेपर और वो भी हिंदी में। देखिए, वर्ड्स को रीअरेंज करना है, EDAF, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DEAF, डीफ। डीफ मीन्स जिसे कुछ सुनाई नहीं देता है वो। दूसरा है RESOW, सो द करेक्ट वर्ड इज ऑप्शन नंबर डी, WORSE, वर्स। नेक्स्ट SUMEMU, सो करेक्ट ऑप्शन डी, म्यूजियम, संग्रहालय, MUSEUM। सो नेक्स्ट TNGIKH, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, KNIGHT, नाइट। सो गाइज, आप चेस खेलते होंगे तो चेस में जो घोड़ा होता है उसे नाइट बोलते हैं और उस नाइट का ये स्पेलिंग है। उसके बाद है EGEMRE, सो करेक्ट आंसर इज ए, EMERGE, emerge, arise का सिमिलर वर्ड है ये। सो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 to 10, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। देखिए, नंबर 6, एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स रखने के लिए क्या यूज करते हैं, बी, अवेरी। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो आवाज हम सुन नहीं सकते हैं, सो दैट कॉल इनऑडिएबल। उसके बाद वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाला, उसे बोलते हैं ग्लूटन, ऑप्शन नंबर डी। द प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर हम हमारा लगेज कहाँ पर रखते हैं, क्लॉक रूम, बी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान है इस पर विश्वास रखता है तो उसे बोलते हैं थियस्ट, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आई डैश दिस बुक लॉन्ग एगो, आई रीड दिस बुक लॉन्ग एगो। वन डैश गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, वन कैन नॉट। प्लीज रिंग बी एज सून एज ही कम्स, थर्ड पर्सन है सो कम्स। आई हैव गिवन अप ईटिंग मीट, गिव अप बोलते हैं, हैव थर्ड पर्सन थर्ड आएगा सो गिवन अप। आई हैव डैश फ्रेंड्स, देखिए फ्यू और सम, ये जो है अनकाउंटेबल के सामने आते हैं, फ्रेंड्स तो काउंटेबल है तो ये तो नहीं आने वाले, नो एनी भी नहीं, तो नो, आई हैव नो फ्रेंड। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 16 to 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन एज गिवन बिलो। जॉन इज रीडिंग डैश मेरी इज प्लेइंग, बट जॉन इज रीडिंग बट मेरी इज प्लेइंग, वो जॉन पढ़ रहा है लेकिन मेरी खेल रही है, बट यू विल वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आ जाता। गो एट वंस और एंड सिंस अल्दो, देखिए तुम जाओ और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। टू ईयर हैव पास्ड डैश ही लेफ्ट चेन्नई सिंस, उसने छोड़कर चेन्नई छोड़कर 2 ईयर्स हो गए। डैश ही इज
poor, he is honest. Though he is poor, he is honest. वो गरीब है पर honest है, इस टाइप से. Direction for question number 21 to 25. Identify the part of speech of the underlined word from the options given below. They reached home at 10. देखिए at है preposition. In, on, at, in front, ये सब prepositions होते हैं. He goes to school daily. Goes is a verb. Jump, read, ये सब इस टाइप के verbs होते हैं. Mumbai is India's biggest city. Biggest, ये जो है नाम के बारे में बता रहा है. यहाँ पर noun है India, India के बारे में. That means that is adjective. उसके बाद we had a nice time in Gulmarg. देखिए we मतलब pronoun. He, she, it, they, we, ये pronoun है. The Taj Mahal is situated on the bank of the Yamuna. Yamuna is river, ये noun है. Direction for question number 26 to 30. Choose the word from among the four options which is similar in meaning to the given word. देखिए similar words अब हमें देखना है. Ancient, ancient में बहुत पुराना, means very old. Next, tiny, tiny मतलब बहुत छोटा, that is small. Huge, huge बहुत बड़ा, large. Conquest मतलब हारना, so similar word is defeat. Begin ये तो आप सबको मालूम है, start. See. Direction for question number 31 to 35. Read the paragraph carefully and answer the questions that follow. यहाँ पर अभी paragraph दिया है और अब हम इसके ऊपर जो questions है वो solve करेंगे. If they are to develop a strong and healthy body, the word they has been used for. यहाँ पर जो they, ये जो word आया है, ये आया है young boys and girls के लिए. What should we do to develop a strong and healthy body? Healthy body और strong होने के लिए क्या करना चाहिए? Then we should play games. Games खेलने चाहिए. According to Duke of Wellington, where was the ballot of Waterloo? Won. उसने कहां पर जीता था? In the play field of Eton. What are the qualities needed for a balanced personality as I mentioned in the paragraph? हमें एक balanced personality के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या चाहिए? Courage, manliness, fighting spirit and fair play. That means ये सभी चीजें चाहिए. So option number D, all of these. Select the word closest in the meaning to the word virtues used in the paragraph. इस paragraph में जो virtues है, so कौन से है, तो किससे related है? Skill. Direction for question number 36 to 40. Choose the word from among the options which is opposite in meaning to the underlined word. यहाँ पर अब हमें opposite word देखना है. The building looked ugly after the painting. यहाँ पर ugly को underline किया है, so opposite of the ugly is beautiful. The actor's performance was brilliant. Opposite of brilliant यहाँ पर underline किया है, तो brilliant का opposite C, dull. The boss spoke to him in a cold manner. Cold को underline किया है, cold opposite warm. Life on earth is not as simple as it used to be. Simple का opposite difficult. In that country, people wear strange clothes. Strange मतलब अलग तरीके से, तो common ordinary हो गया. Directions for question number 41 to 45. Fill in the blanks with suitable prepositions from given options. अब हमें prepositions choose करने हैं. Anjali is suffering - malaria. देखिए malaria हुआ है, malaria से वो suffer है. से मतलब from malaria. She is suffer. Sonu has no love - music. Music के लिए उसके मन में, music के लिए, for music.
द बॉय रैन डैश द डॉग आफ्टर द डॉग मतलब डॉग के बाद आफ्टर द डॉग द बॉय रैन द ड्राइवर जंप डैश द कार जंप्ड ऑफ बी जंप्ड ऑफ द कार द बर्ड्स वेयर कॉट डैश द नेट नेट के अंदर इन सो इन द नेट डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46 to 50 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो देखिए अब यहाँ पर आइटम्स है तो उसका हमें करेक्ट मीनिंग देखना है सी आई टू आई मतलब देखना एक तरीके से स्टेयर एट ईच अदर गेट कोल्ड फीट मतलब पाव ठंडे पड़ना यानी बी नर्वस नर्वस जब हम हो जाते हैं लायन शेयर लायन मतलब बड़ा सो ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग सबसे बड़ा हिस्सा लेना हर्ट एंड सोल अब पूरी तरह से अपने हृदय से आत्मा से दैट मीन्स द होल ऑफ वंस एनर्जी एंड पैशन पीस ऑफ केक दैट मीन्स वेरी इजी समथिंग वेरी इजी सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस whole video and don't forget to like and don't forget to share and again if you have any problem regarding this video so please comment me